हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा डायग्नोस्टिक सेटिंग्स के बारे में। तो डायग्नोस्टिक सेटिंग्स क्या है? आपका एज्योर मॉनिटर का एक सब कंपोनेंट है, या सब पार्ट कह सकते हो। सब कंपोनेंट है आपका एज्योर मॉनिटर का ही पार्ट है डायग्नोस्टिक सेटिंग्स। अब डायग्नोस्टिक सेटिंग्स होता क्या है? देखो, यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट का ही डॉक्यूमेंट मैंने खुला हुआ है। इसमें बोला हुआ है कि माइक्रोसॉफ्ट प्लेटफॉर्म लॉग्स प्रोवाइडेड डिटेल डायग्नोस्टिक एंड ऑडिट इन्फॉर्मेशन फॉर एज्योर रिसोर्स एंड दी एजोर प्लेटफॉर्म दे डिपेंड ऑन। मतलब डायग्नोस्टिक सेटिंग क्या करता है, आपका प्लेटफॉर्म लॉग्स आप कलेक्ट कर सकते हो डायग्नोस्टिक सेटिंग्स के थ्रू। कैसा होता है दोस्तों कि कुछ लॉग्स ऐसे होते हैं जो माइक्रोसॉफ्ट के पास रहते हैं। यानी कि हम लोग एक बेसिक लेवल पे हम क्या करेंगे, ज्यादातर लॉग एनालिटिक वर्क स्पेस जो है कॉन्फिगर करेंगे और मैट्रिक वेट्रिक जो भी इवेंट्स हैं उसमें कलेक्ट कर सकते हैं, ताकि हम ट्रबल शूटिंग में यूज आ सके। लेकिन कुछ लॉग्स ऐसे होते हैं जो माइक्रोसॉफ्ट के पास रहते हैं। अगर वो लॉग्स जो माइक्रोसॉफ्ट के पास रहते हैं वो अगर आपको अपने पास चाहिए आपके ट्रबल शूटिंग के लिए, तो आपको डायग्नोस्टिक सेटिंग्स इनेबल करना होगा। डायग्नोस्टिक सेटिंग्स में फिर से बता रहा हूँ क्या है, प्लेटफॉर्म लॉग्स होते हैं। अभी एग्जांपल के तौर पर बताऊं मैं अगर आपको, लेट्स से आप मान लो कि एक वेब ऐप है और वो वेब ऐप आपका जो है कनेक्ट है एज़्योर सीक्वल डेटाबेस के साथ। अब मान लो आपके एंड यूजर ने बोला कि यार मेरा ना वेब ऐप में प्रॉब्लम है, वेब ऐप नहीं चल रहा है, या फिर सीक्वल से जो क्वेरी, वेब ऐप जो क्वेरी कर रहा है सीक्वल से, वो क्वेरी फेच नहीं हो रही है या क्वेरी नहीं मिल रही, उसको रिजल्ट में आउटपुट कुछ नहीं मिल रहा है, तो आप कैसे करोगे उसको एनालाइज? क्योंकि लॉग एनालिटिक वर्कस्पेस में तो आप एक बेसिक ट्रबल शूटिंग कर सकते हो, जो भी लॉग्स उसने कलेक्ट कर रहेंगे वो आप क्वेरी के थ्रू एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। लेकिन जो रिलेशन है किसका, सीक्वल डेटाबेस और वेब ऐप का, उन दोनों के बीच में क्या क्वेरी हो रही है उसका ट्रबल शूट नहीं कर पाओगे आप। यानी कि डायग्नोस्टिक सेटिंग का मतलब क्या है, एक डिटेल्ड वे में आप उसको डायग्नोस्ट कर रहे हो, उसको ट्रबल शूट अगर आपको करना है तो वैसे सिनेरियो में आपको डायग्नोस्टिक लॉग्स इनेबल करना पड़ेगा, डायग्नोस्टिक सेटिंग्स इनेबल करना पड़ेगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऑडिट इंफॉर्मेशन या डिटेल डायग्नोस्टिक जो कि एज्योर रिसोर्सेज एंड एज्योर प्लेटफॉर्म दे डिपेंड ऑन। मतलब अगर मैंने एग्जाम्पल बताया आपको कि वेब ऐप और सीक्वल डेटाबेस आपस में कनेक्टेड है, तो वह एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी है। अब मान लो यूजर ने बोला कि मेरा वेब ऐप नहीं चल रहा है या फिर मेरा सीक्वल में कुछ इश्यू, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे कि भाई सच में सीक्वल में इश्यू है कि वेब ऐप में इश्यू है, या फिर वेब ऐप सीक्वल से कम्युनिकेट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है? तो उस तरह का डिटेल्ड जो लॉग्स है या ऑडिट इन्फॉर्मेशन है या प्लेटफॉर्म लॉग्स है, वो उस टाइप के प्लेटफॉर्म लॉग्स को आप डायग्नोस्टिक सेटिंग इनेबल करके आप कलेक्ट कर सकते हो। ओके, अब प्लेटफॉर्म लॉग में यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ने बोला है कि तीन तरह के प्लेटफॉर्म लॉग है, रिसोर्स लॉग्स, एक्टिविटी लॉग और एज़्योर एक्टिव डायरेक्टरी लॉग। रिसोर्स लॉग्स, जैसे कि मैंने बताया कि वेब ऐप जो है आपका रिक्वेस्ट कर रहा है सीक्वल को, लेकिन कस्टमर बोल रहा है कि भाई वेब ऐप में प्रॉब्लम है, अगर आप डायग्नोस्टिक सेटिंग्स इनेबल रहेगा तो आप वेब ऐप और सीक्वल दोनों के बीच का जो डिपेंडेंसी है कि भाई एग्जैक्टली रिक्वेस्ट कहाँ जा रही है, कहाँ फेल हो रही है, वो आप देख सकते हो। ओके, एक्टिविटी लॉग मैंने पहले ही बताया कि आपका एडमिनिस्ट्रेटिव लॉग्स हो गया, जैसे कि आपने कोई रिसोर्स बनाया है, डिलीट किया, अपडेट किया है, मॉडिफाई किया है, कुछ भी, आपका एक्टिविटी लॉग। एज़्योर एक्टिव डायरेक्टरी लॉग्स, जैसे कि साइन इन एक्टिविटी लॉग रहता है, पासवर्ड रिसेट एक्टिविटी लॉग रहता है, या ऑथेंटिकेशन साइन इन फेल लॉग होता है, ये टाइप के लॉग्स आपके एज़्योर एक्टिव डायरेक्टरी लॉग्स होते हैं। ओके, तो आई होप कि इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि डायग्नोस्टिक लॉग्स होता क्या है। अब बात करते हैं अपने इस डायग्राम के हिसाब से कि अभी तक जो भी लॉग्स है वो आप जो है तीन तरह के उसमें रिसोर्सेज में भेज सकते हो, सेंड कर सकते हो या स्ट्रीम कर सकते हो। जैसे कि जो भी ये आपका एज़्योर रिसोर्स है और ये आपके डेस्टिनेशन हो गए, तो एज़्योर रिसोर्सेज के जो भी लॉग्स हैं आप डायग्नोस्टिक सेटिंग्स जब आप इनेबल करोगे, तो या तो आप लॉग एनालिटिक वर्कस्पेस में भेजो, दूसरा ऑप्शन बोलता है माइक्रोसॉफ्ट कि आप स्टोरेज अकाउंट में भेजो, और तीसरा ऑप्शन बोलता है कि या तो आप इवेंट हब में भेजो। यानी कि इन तीनों में से किसी एक डेस्टिनेशन में आप जो भी लॉग्स हैं वो आप सेंड कर सकते हो या इवेंट्स भेज सकते हो। लॉग एनालिटिक वर्कस्पेस का मैंने ऑलरेडी आपको वीडियो बना के समझा दिया है, स्टोरेज अकाउंट का ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है कि आप जो है वहां पर डाल सकते हो। इवेंट हब, अब इवेंट हब क्या करता है मैं छोटा सा ओवरव्यू देता हूँ, वैसे तो मैं बाद में जाके इनके वीडियोस बनाने वाला हूँ। इवेंट हब क्या होता है कि आपके लार्ज नंबर में अगर इवेंट्स रहते हैं तो उसको प्रोसेस करने के लिए इवेंट हब काम आता है। यानी कि इवेंट हब क्या है, एक डेटा इंजेक्शन सर्विस है। डेटा इंजेक्शन सर्विस का मतलब क्या होता है कि जो लार्ज अमाउंट में जो इवेंट्स रहते हैं उनको प्रोसेस करने के लिए इवेंट हब यूज होता है। अब उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट क्या बोलता है कि आपने स्टोरेज अकाउंट में डाल दिया, तो स्टोरेज अकाउंट से आप चाहिए तो एज़्योर डेटा फैक्ट्री में डाल दो डेस्टिनेशन, ये आपका डेस्टिनेशन हो गया। अगर आप इवेंट हब में डालते हो तो इवेंट हब से आप या तो उसके बीच में एक फंक्शन ऐप लगाओ
डेटा प्रोसेस करने के लिए, सेग्रीगेट करने के लिए, और उसके बाद SQL डेटाबेस में डालो। या तो अगर फंक्शन ऐप नहीं लगाते हो तो इवेंट हब को कनेक्ट करो स्ट्रीम एनालिटिक्स के साथ, और स्ट्रीम एनालिटिक्स में ये भी आपका सेम वही करता है क्या, आपका डेटा या इवेंट सेग्रीगेट करेगा और इवेंट सेग्रीगेट करने के बाद SQL डेटाबेस के पास आपका भेजेगा। ओके, तो ये इस तरह का मेथड है, इसका यूज है। अब अगेन फिर से बोल रहा हूँ, डायग्नोस्टिक सेटिंग्स आपका प्लेटफॉर्म लॉग्स कलेक्ट करने के लिए होता है। अगर आपको मोर डिटेल में ट्रबल शूटिंग करना है कि कौन सा रिसोर्स मेरा किस रिसोर्स के ऊपर डिपेंडेंट है और उन दोनों के बीच में रिक्वेस्ट कैसी हो रही, कहाँ पर फेल हो रहा है, क्या हो रहा है, वो आप जो है डायग्नोस्टिक सेटिंग के थ्रू आप ट्रबल शूट कर सकते हो। दूसरा मैंने बोला कि जैसे कि कुछ लॉग्स जो होते हैं माइक्रोसॉफ्ट के पास रहते हैं, अगर वो लॉग्स भी अपने पास चाहिए अपने को अपने रेफरेंस के लिए, अपने ट्रबल शूटिंग के लिए, तो आपको डायग्नोस्टिक सेटिंग्स इनेबल करना होगा। तो तीसरा एक और बता देता हूँ, प्लेटफॉर्म लॉग्स, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ प्लेटफॉर्म लॉग्स का अगर मैं मिलता जुलता एग्जांपल दूँ, तो जैसे आपने फिजिकल सर्वर्स में काम किया होगा, HP के या फिर IBM के या फिर डेल के, तो आप उनको कनेक्ट करने के लिए, रिमोटली कनेक्ट करने के लिए क्या IAM या ILO यूज करते हो, राइट? और ILO के लॉग्स देखते हो या IMM के लॉग्स देते हो, तो मतलब क्या हो गया, वो एक तरह से उस सर्वर का प्लेटफॉर्म हो गया हो, राइट? उसके लॉग्स आप ट्रबल शूट करते हो। अब मान लो उस फिजिकल सर्वर में प्रॉब्लम है, तो फिजिकल सर्वर में क्या, या तो हार्डवेयर में प्लेटफॉर्म में प्रॉब्लम हो सकता है, या तो ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रॉब्लम हो सकता है, तो उसके लिए आपको एक आपको जो है एक ट्रबल शूटिंग स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। कि तो उस ट्रबल शूटिंग स्टेप्स में ये भी आप कर सकते हो कि प्लेटफॉर्म लॉग्स भी चेक कर सकते हो, फिर जो लॉग एंटे वर्क स्पेस में जा रहा है वो भी चेक कर सकते हो, मैट्रिक्स भी चेक कर सकते हो, परफॉर्मेंस कैसा है, CPU और डिस्क रीड राइट ऑपरेशन, मेमोरी यूटिलाइजेशन, ये सब आप डिटेल में आप ट्रबल शूट कर सकते हो। ओके, तो गाइज ये था इस वीडियो में डायग्नोस्टिक सेटिंग्स के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका लैब दिखाऊंगा। आई होप कि आपको डायग्नोस्टिक सेटिंग्स समझ में आ गया होगा। अगर कोई पूछेगा डायग्नोस्टिक सेटिंग्स क्या होता है या आपको प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में यूज करना होगा, तो आप डायग्नोस्टिक सेटिंग्स को जरूर इनेबल करो मोर डिटेल में अगर आपको ट्रबल शूट करना है तो। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना अगर आपने नहीं किया है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में इसके लैब के साथ। So, thanks for watching this video.